सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर चुनाव को लेकर संगठन ने दी जानकारी। आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें भोगांव रोड स्थित एसडी विद्यालय की है, जहां आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक का आयोजन मुख्य रूप से नियुक्ति पत्र वितरण करना हुआ है और आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव रिंकू कठेरिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और बेरोजगारी के विषय को लेकर भी चर्चा की। साथ ही साथ इसी क्रम में आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव रिंकू कठेरिया और मेनियोटी बीसी की जिला सचिव मेजपी खानम ने क्या कहा, जरा सुनिए। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आज सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं माइनॉरिटी विंग से जिला सचिव मेजपी खानम हूँ और यहाँ पर आज जिस गठन हुआ है SC ST प्रकोष्ठ का, किसान प्रकोष्ठ का और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मगाँव विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो सभी लोग ईमानदारी रखें और पार्टी के लिए वफादारी रखेंगे, तभी हम लोग भ्रष्टाचार को अपने देश से ख़त्म कर सकते हैं। आज जो हमारा देश भ्रष्टाचार को लेकर आपाधापी में पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बीमारी से अभी हम लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं और उससे बड़ी बीमारी हम लोगों के सामने आके खड़ी हो गई है, बेरोजगारी। जब तक बेरोजगारी नहीं जाएगी तब तक हमारी देश से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ सदस्य आए हैं, जो जितने भी गठन हुए हैं, सभी लोग ईमानदारी से अपना कार्य करें और पार्टी को आगे ले जाएं। आज यहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज SC ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का नियुक्त होना था और माइनॉरिटी विंग के भोगांव विधानसभा और सदर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त होना था और पार्टी को आगे ले जाने के लिए कैसे ले जाया जाए, जो माननीय राज्यसभा सांसद जी संजय सिंह मैया हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है कि यूपी जोड़ो अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य जोड़े जाएंगे, 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का काम किया जाएगा, प्रत्येक विधानसभा से 25,000 सदस्यों का जोड़ना अनिवार्य है। तो मेरे यहाँ जो मैनपुरी ज़िले में जो विधानसभाएं हैं वो 4 हैं, तो प्रत्येक विधानसभा से 25,000 सदस्य जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर के ज़िले में 1,00,000 सदस्य जोड़ने का काम करेंगे हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर के, और पार्टी को आगे ले जाने की मजबूती बनाएंगे ताकि आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी दम से चुनाव लड़ सके और जीत हासिल कर सके। आज यहाँ किसकी नियुक्ति की गई है? जी, आज यहाँ पर राघवेंद्र कठेरिया जी हैं SC ST के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जगवीर सिंह और उन्हीं के साथ एक लवकुश हैं, उनको SC ST प्रकोष्ठ के महासचिव बनाए गए हैं और इन्हीं के साथ
चमन लाल हैं, उनको भी एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर के किसान प्रकोष्ठ तैयार हो गया है सदस्यों को मिलाकर के, और माइनॉरिटी विंग के गोहाँव विधानसभा से असलम बारसी जी को गोहाँव विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और किसान प्रकोष्ठ का क्या लिखा हुआ से वेदपाल कश्यप जी को गोवा विधानसभा का महासचिव बनाया गया जी।